हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मोटोमैनिक में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हाइब्रिड डिफरेंशियल एक्सेल किट, या फिर आप इसको लोडर डिफरेंशियल एक्सेल किट भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये जो डिफरेंशियल एक्सेल किट है ये हैवी व्हीकल्स के लिए है, और ये जो है कंपेटिबल विथ 10 किलोवाट मोटर और 5 किलोवाट मोटर है। और ये जो डिफरेंशियल एक्सेल है ये टू स्पीड डिफरेंशियल एक्सेल है, जिसमें कि आपको दो अलग अलग स्पीड मिलती हैं, जिससे कि आप हाई टॉर्क और हाई आरपीएम दोनों को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ना केवल हम लोग इनके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, बल्कि आपको लाइव इस 52 इंच 10 किलोवाट टू स्पीड डिफरेंशियल मोटर किट को मैं आप लोगों को चला के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमेशा की तरह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो कि होता है हमारी मोटर। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग 10 किलोवाट पीएमएसएम मोटर का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी होती है और जिसका कि ऑपरेशन वोल्टेज 72 वोल्ट होता है। और इस मोटर के साथ आपका ये जो कंट्रोलर आता है, ये कुछ इस टाइप का कंट्रोलर आप लोगों को मिलता है, जो कि 150 से 180 एम्पीयर तक की करंट कैपेसिटी का होता है, 72 वोल्ट कंपेटेबल होता है। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो पीएमएसएम मोटर कंट्रोलर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली कंट्रोलर, वो 48 से 72 कंपेटेबल होता है, यानी कि उसका लोअर कट ऑफ करीब 40 वोल्ट होता है, अपर कट ऑफ 86 वोल्ट होता है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलता है 72 वोल्ट में। और इस मोटर के टॉर्क के बारे में बात करें, चूँकि ये पीएमएसएम मोटर है तो अप टू 1300 आरपीएम तक कांस्टेंट या 99 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। तो आप समझ सकते हैं कितना हाई टॉर्क आप लोगों को मिलता है इस मोटर और कंट्रोलर सिस्टम में। और स्टेबिलिटी की बात करें तो चूंकि ये सिक्स फेस मोटर कंट्रोलर है तो काफ़ी स्टेबल होती है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलता है। हम लोगों ने काफ़ी हाई पावर एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ करके देखा है, लेकिन आपको कहीं इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई हीटिंग की या कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो काफ़ी स्टेबल मोटर एंड कंट्रोलर सिस्टम होता है ये वाले। तो ये तो बात हो गई हमारी मोटर की। अब हम लोग बात करते हैं इसके साथ जो एसेसरीज आप लोगों को मिलती है। देखिए, इसके साथ स्टैंडर्ड एसेसरीज में हम लोग मोटर के साथ जो देते हैं, फुट थ्रॉटल देते हैं, ये फॉरवर्ड रिवर्स न्यूट्रल स्विच देते हैं, आपको थ्री स्पीड स्विच मिल जाता है, आपको ब्रेक स्विच मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई मोटर कंट्रोलर और उसके साथ स्टैंडर्ड। अब बात कर लेते हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है हमारा डिफरेंशियल या डिफरेंशियल एक्सेल है। ये जो आप डिफरेंशियल एक्सेल देख रहे हैं, ये 52 इंच का है। हम लोग दोस्तों, हाइब्रिड कन्वर्जन हो या हैवी व्हीकल हो, उसमें हम लोग आपके 42 इंच से लेकर 70 इंच तक के आपको हाइड्रोलिक डिफरेंशियल एक्सेल प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको सिंगल स्पीड और डबल स्पीड दोनों के ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं। नॉर्मली जैसे अगर आप हाइब्रिड व्हीकल कन्वर्ट कर रहे हो, तो नॉर्मली जो हम अभी सजेस्ट करते हैं, जिस टाइप का कन्वर्जन हम लोग करवाते हैं, उसमें हम लोग रेयर में डिफरेंशियल एक्सेल विथ मोटर फिटमेंट का एडवाइस करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि फ्रंट में आपका इंजन आ जाता है और रेयर में आपका डिफरेंशियल एक्सेल लगने की वजह से आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव हो जाता है। और उसके लिए बेस्ट ये जो होता है, ये टू स्पीड डिफरेंशियल एक्सेल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टू स्पीड गियर चेंजिंग मैकेनिज्म है, और ये एक हैवी गियर चेंजिंग लीवर आता है, जिसको कि आप गाड़ी में अपनी कंफर्ट के हिसाब से आगे इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको तीन अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं गियर सेटिंग के। ये जो देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्पीड का है। फर्स्ट स्पीड से मतलब है कि आपको यहाँ पर हाई टॉर्क मिलता है, लो स्पीड मिलती है, जिससे कि आप कोई भी ग्रेडियंट हो, कितना भी लोड हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। 1:16 का स्टैंडर्ड गियर रेशियो होता है, जो कि काफ़ी हाई माना जाता है। और अगर इसमें 10 किलोवाट का कॉम्बिनेशन लग जाए या 5 किलोवाट का कॉम्बिनेशन लग जाए, तो काफ़ी हाई टॉर्क जनरेट होता है। तो ग्रेडियंट की तो आपको या फिर लोड की कहीं से कहीं तक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होता है, वो न्यूट्रल का होता है। अगर आप हाइब्रिड व्हीकल में फिट कर रहे हो तो ये बड़ा काम आता है, क्योंकि अगर आप इंजन पर गाड़ी चलाते हो तो अगर न्यूट्रल पोजीशन में आपका गियर नहीं आएगा तो आपकी मोटर भी डिफरेंशियल के साथ चलेगी, और इससे आपका अननेसेसरी थोड़ा बहुत पावर वेस्ट होता है। लेकिन जब आप न्यूट्रल में डाल देते हो तो मोटर आपकी जो होती है पूरी तरह से डिफरेंशियल के साथ डिसइंगेज हो जाती है, तो आपका खाली डिफरेंशियल व्हील चलते हैं, मोटर का नहीं चलती है, तो यहाँ पर आपका पावर सेविंग हो जाता है। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये जो लास्ट वाला है, ये है हाई स्पीड का, जहाँ पे कि आपको हाई स्पीड मिलती है, थोड़ा सा टॉर्क रिड्यूस हो जाता है, और इसमें फिर भी काफ़ी अच्छा रेशियो होता है, और ये 1:8 का रेशियो होता है, तो आपकी स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, जो कि 1:16 में होती है। तो ये दो स्पीड होने की वजह से काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए हाइब्रिड में, या फिर आप मान लीजिए लोडिंग व्हीकल में रेयर डिफरेंशियल एक्सेल को लगाना। और जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग 42 से लेकर
या उससे कम में या फिर 70 इंच तक के डिफरेंशियल एक्सेल प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक गाड़ी में हमारे डिफरेंशियल एक्सेल किसी भी एप्लीकेशन हो, कितनी भी छोटी गाड़ी हो, आराम से फिट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम को देखें तो इसमें आपको काफ़ी हैवी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक का आपका कनेक्शन होते हैं, यहाँ पर आपके हाइड्रोलिक ब्रेकिंग लग जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी में जैसे नॉर्मली गाड़ी में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग होती है तो खाली आपको ये पाइप कनेक्ट करना है, सीधे इस कनेक्टर के साथ आपका पाइप कनेक्ट हो जाता है और आपकी लाइव हो जाती है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग। इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेकिंग भी आती है, आप देख रहे हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग के ये आपके ऑप्शन है, तो हैंड लीवर वाली इमरजेंसी ब्रेकिंग भी इसमें आपको प्रोवाइड होती है। अब हम लोग आपको इस सिस्टम को रन करके बताते हैं। अब हम लोग लाइव आप लोगों को ये 52 इंच डिफरेंशियल एक्सेल को विद 10 किलोवाट पीएमएसए मोटर के साथ चला के बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोगों ने बेसिक कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन जो करना होता है काफ़ी इजी होता है, काफ़ी पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे इग्निशन हो गया, फेस फायर हो गए, आपने कनेक्ट कर दिए हैं। हम लोगों ने फुट थ्रॉटल कनेक्ट कर दिया है, फॉरवर्ड रिवर्स न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है और थ्री स्पीड कनेक्ट कर दिया है। अभी हम लोगों ने इसको थर्ड स्पीड में रखा है, इसको फर्स्ट स्पीड मोड में लेकिन लोअर स्पीड मोड में रख देते हैं और इसको ड्राइव मोड में रखा हुआ है। जो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 48 वोल्ट की काफ़ी छोटी टेस्ट बैटरी से हम लोग चला रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना कम करंट ये 10 किलोवाट की मोटर लेती है। इतना हैवी है होने के बाद भी चूंकि इनकी इफिशेंसी काफ़ी हाई होती है, तो सबसे पहले देखिए मैंने इसको न्यूट्रल मोड में डाल दिया। थ्रोटल प्रेस करते हैं हम लोग, देखिए हमारा सिस्टम नहीं चलेगा चूँकि ये न्यूट्रल मोड में, ये देखिए अभी ड्राई मोड में, सॉरी ये देखिए ड्राई मोड में, ये मैंने न्यूट्रल मोड में डाल दिया है तो देखिए हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये ड्राई मोड में कर दिया, अब देखिए सिस्टम चलेगा। चला के बताते हैं, ये देखिए हमारा डिफरेंशियल एक्सेल चलना चालू हो गया है। यहाँ पर आप डिफरेंशियल एक्सेल को चलते हुए देख सकते हैं, ये देखिए, और आप देख सकते हैं मोटर कितनी साइलेंट है, कितनी कम आवाज़ हो रही है चूँकि पीएमएसए मोटर है और ये बिल्कुल चल रहा है। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी इसका देखिए गियर चेंज शिफ्ट करते हैं। अभी ये मैंने ड्राइव से, अभी मैं देखिए इसको रिवर्स मोड में डाल देता हूँ, रिवर्स मोड में डाल दिया मैंने, अभी हम लोग चला के देखते हैं। देखिए रिवर्स मोड में डाल दिया, अभी हम लोग चला के देखते हैं रिवर्स में। ये देखिए आपका डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो कितना इजी होता है आपको डायरेक्शन चेंज करना। सीधे आपके पास तीन ड्राइव मोड मिल जाते हैं, मैंने न्यूट्रल में डाल दिया तो अब वो चलेगी नहीं। ठीक है, अब ड्राइव मोड में रखते हैं। और इसी तरह से हमारे पास थ्री स्पीड का अलग अलग सिलेक्शन मिलता है। फर्स्ट स्पीड है, देखिए अभी फर्स्ट स्पीड में फुल कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए फर्स्ट स्पीड है, यह फुल स्पीड है, यह आप देख सकते हैं स्पीड को बढ़ते हुए। यह देखिए कितनी स्पीड बढ़ गई है, तीन अलग अलग मोड पे आपको तीन अलग अलग स्पीड्स मिल जाती हैं। ये हम लोगों ने फिर से कर दिया, स्पीड कम हो गई है। तो इस तरह से आपको तीन ड्राइव मोड का सिलेक्शन मिल जाता है, मोटर डायरेक्ट आपकी माउंट हो जाती है, कपलिंग बुश आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको और भी कोई एसेसरीज चाहिए, कन्वर्टर, बैटरी लेवल इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, वो भी हम लोग एडिशनल रिक्वायरमेंट पर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा की तरह आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।